आज हम आपको दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन की दुनिया से कुछ ऐसी पावरफुल मशीन्स जो आपके होश उड़ा देंगी। मगर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंक्रीट को ऊपर पहुंचाना। मगर अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आ गया है 37Z4। इस शानदार कंक्रीट पंप ने अपने अनोखे आउटरिगर सिस्टम से बिल्डर्स के दिल जीत लिए हैं। आप जमीन से सीधा 37 मीटर की ऊंचाई पर बिना किसी दिक्कत के कंक्रीट को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे लेबर कॉस्ट और टाइम में काफी बचत होती है। कंक्रीट ले जाने वाले पाइप का साइज भी 275 mm चौड़ा है, मगर ये हैरान कुन हद तक प्रेशर को मैक्सिमम हाइट पर भी बरकरार रखता है और लीबर ने इसे ट्रांसपोर्टेबल बनाया है। कोई शक नहीं, ये जायंट बीस्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीन्स में से एक है। किसी भी पेड़ को काटने के बाद उसका स्टंप बाकी रह जाता है, जिसे हटाना किसी चुनौती से कम नहीं। मगर इस स्टंप क्रशर के लिए ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का काम है। ये क्रशर असल में एक अटैचेबल हेड टूल है, जिसे स्पेशल स्टंप्स को रिमूव करने के लिए बनाया गया है। इसे किसी भी एक्सकवेटर से जोड़ सकते हैं। ये एक ड्रिल की तरह काम करता है और स्टंप को जड़ों तक क्रश कर देता है। ना खुदाई की जरूरत रहती है, ना ही गार्डन को कोई नुकसान पहुंचता है। ये मशीन सब कुछ मिनटों में निपटाकर चली जाती है। मेगा स्ट्रक्चर्स यानी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा करने के लिए स्टील का यूज किया जाता है, क्योंकि ये अपनी मजबूती से कई गुना भारी लोड को झेल सकता है। इस क्लिप में 12.5 मीटर की लंबी स्टील ट्यूब को एक एलएनजी प्लांट के लिए जमीन में डाला जा रहा है। इतने बड़े लोड को हैंडल करने के लिए पाइलिंग मशीन यूज होती है, जिसका हाइड्रोलिक सिस्टम स्टील ट्यूब को मजबूती से पकड़े रखता है, जबकि इसका हैमर कई टन्स की फोर्स से स्टील ट्यूब को जमीन में पुश करता है। ये बिल्कुल दीवार में कील ठोकने जैसा मैकेनिज्म है, मगर ऐसे करते वक्त घंटों लग जाते हैं।
ये मशीन कई सालों से रॉ मटेरियल को हैंडल कर रही है। असल में आरटीडी एक लॉग स्टैकर है, जिसे राउंड वुड को लोड या अनलोड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ आप पूरे पूरे बंडल को उठा सकते हैं। इसकी कैबिन में लगा कंट्रोल सिस्टम वेट को उठाने पर वजन को मेजर भी करता है। ड्राइविंग कैप को और कंट्रोल को भी शानदार बनाया गया है। इन शॉर्ट, ये मशीन काम और वक्त दोनों में बचत कराती है। जमीन से कीमती पत्थर जैसे मार्बल या संगमरमर को निकालते वक्त कोशिश की जाती है कि इनके बड़े बड़े ब्लॉक्स को काटा जाए। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन आसान रहती है, बल्कि बड़े ब्लॉक की कीमत भी ज्यादा लगती है। ऐसे कामों के लिए फेटिनी ग्रुप ने एक सॉ मशीन तैयार की है। ये पूरे पूरे पत्थरों को ब्लॉक की सूरत में हर एंगल से काट सकती है। इसका शार्प ब्लेड काम करते वक्त बिल्कुल नहीं रुकता। सच में इस कंपनी का तो जवाब नहीं। इससे पहले कि आपको लगे ये मशीन जमीन से मछली पकड़ रही है, आपको बता दूं कि असल में ये एक ड्रैग लाइन एक्सकवेटर है, जिसे कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ कामों के लिए बनाया जाता है। ऐसे एक्सकवेटर उन जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहां आर्म वाला एक्सकवेटर काम नहीं कर सकता। इस क्लिप में ये ड्रेजिंग यानी पानी से मट्टी निकाल रहा है। ये एक स्पून में 40 से 300 टन का लोड उठा सकता है, और ऐसा इसमें लगी सिर्फ 840 किलोवाट की मोटर से मुमकिन हो पाता है।
किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पर हल लगाने पर छोटे बड़े पत्थर ब्लेड्स के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, मगर हर पत्थर को हटाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक मशीन तैयार की गई है। ये रॉक पिकर किसी भी ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जा सकता है। इसका पेडल ब्लेड स्टोन्स को बड़े आराम से जमीन से उठाकर एक अटैच्ड बकेट में डाल देता है। पत्थरों के साथ लगी मिट्टी इस मशीन के जालीदार ब्लेड से निकल जाती है। ये अनोखा स्टोन पिकर सच में मशीन्स का करिश्मा है। आखिर में हम आपको रेलवे ट्रैक पर लिए चलते हैं, जहां ये रेलगाड़ी अपने ब्लेड से रेलवे ट्रैक को साफ कर रही है। ये मशीन ज्यादातर विंटर में स्नोफॉल होने पर बर्फ को हटाने के लिए यूज की जाती है। इसके परों जैसे ब्लेड्स की हाइट और विड्थ को भी बदला जा सकता है। डिजाइनर्स ने इसे रेल ट्रैक पर आने वाले हर तरह के चैलेंजेस को डील करने के लिए बनाया है। तो कैसी रही ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को ऑन करना नहीं भूलें।